हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 16 मार्च को बिलासपुर जिला के झंडोता विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित दौरे को लेकर झंडोता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिला के झंडोता क्षेत्र का दौरा कर बागछाल पुल का लोकार्पण करेंगे, तो साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित कई योजनाओं की आधारशिला व उद्घाटन भी करेंगे। मगर वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से पूर्व झंडोता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे उद्घाटनों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया है। बिलासपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान झंडोता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही आचार संहिता लग सकती है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री जहां अधूरे बागछाल पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 16 सड़कों का भी लोकार्पण करेंगे, जबकि केंद्र सरकार की योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों का उद्घाटन संबंधी जानकारी ना तो उन्हें दी गई है और ना ही हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर को इस बात की जानकारी है। वहीं झंडोता के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि वर्ष 2005 में बागछाल पुल का शिलान्यास किया गया था और वर्ष 2007 में इसका काम बंद कर दिया गया। वहीं उनके विधायक बनने के बाद पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2018 में इस पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया और वर्ष 2022 तक 90% कार्य पूरा कर लिया गया था। वहीं अब इस पुल का मात्र 10% कार्य ही शेष रह गया है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री आनंद फानन में 16 मार्च को बागछाल पुल का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो कि गलत है। मुख्यमंत्री कल बागछाल पुल का लोकार्पण करने आ रहे हैं। अभी तक पुल पूरी तरह से नहीं बना। 2005 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2007 में काम बंद हो गया। मेरे विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 18 से लेके 22 तक इसमें पूरा कार्य हुआ और मात्र 10% कार्य बचा हुआ था, वो अब पूरा वो भी नहीं हुआ अच्छे तरीके से। तो ये इस तरीके से मुख्यमंत्री का ऐसे जल्दबाजी में उद्घाटन करना और लोकार्पण करने की तैयारी करना और बिना सूचना के, तो ये प्रश्न चिन्ह मानता हूँ मैं इनकी कार्यप्रणाली पे लोगों को भ्रमित करना। उसके साथ ही जितने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य हैं, 16 सड़कें हैं पिछले कार्यकाल की भी, उनको सभी को लोकार्पण करने को चले, भूमि पूजन करने को चले, वो स्थानीय MP जो होता है उसका काम होता है, उसकी सहमति के बिना वो नहीं होता। तो मेरे जो सूचना है उसके अनुसार माननीय सांसद महोदय को भी, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी पुख्ता नहीं है। और ये जल्दबाजी में जल जीवन मिशन के सारी सड़कों के भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण, ये ऐसे चोर दरवाजे से करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब रिव्यू होंगे और होने चाहिए, क्योंकि ये जिस सरकार ने काम किया और जो काम अभी इन्होंने कोई बजट तक नहीं दिया, पिछले एक वर्ष में 1/3 बजट मेरे चुनाव क्षेत्र में भारी कटौती लगी, जो पहले बजट था उससे 1/3 भी नहीं दिया, सारी स्कीमें अधूरी पड़ी, और उनका लोकार्पण करना एक जनभावना के खिलाफ है। तो मैं इसका अपना एक जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय को परामर्श देता हूँ कि इस तरीके का कार्य उनको नहीं करना चाहिए। जब पूरे हो जाए कार्य ठीक तरीके से, तब इसका लोकार्पण जो भी होगी मौके की सरकार और विधिवत तरीके से, और जो अपेक्षित होते हैं, विधायक के नाते मुझे कोई सूचना नहीं है, सांसद महोदय को कोई सूचना नहीं है।